गुड मॉर्निंग क्लास फोर. टुडे वी विल स्टार्ट योर रिवीजन वर्क फॉर सेकंड यूनिट टेस्ट. फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइट द नंबर्स. ए देखेंगे इसमें 10 मोर देन 2095. अब मोर देन लिखा है, मोर देन का मतलब होता है प्लस करना, ठीक है. अगर लेस देन लिखा होता तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है. तो हमें 10 को और 2095 में प्लस करना है. तो 2095 में प्लस करने के बाद हमारा क्या बन जाएगा, 2105, ठीक है. इस तरह भी देखेंगे, वन मोर देन 999. तो जब हमने 999 में 1 को प्लस किया तो हमारा कितना, 1000 हो जाएगा. सी देखेंगे, 100 लेस देन 1111. तो लेस देन है ना, इसमें माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद हमारा क्या आएगा, 1011, ठीक है. इस तरह डी देखेंगे, 100 लेस देन 11000, ठीक है. 11000 में से 100 माइनस किए तो हमारा कितना हो जाएगा, 10900, ठीक है. इस तरह में फिलअप्स देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स. इसमें देखेंगे हम 3333 प्लस 1111 प्लस 2222. अब हमने तीनों को प्लस किया तो हमारा क्या आएगा, 6666, ठीक है. इस तरह बी देखेंगे हम, 5018 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 5017, ठीक है. सी देखेंगे, 1872 माइनस डैश इक्वल टू 1871, ठीक है. तो अब हमें कितना प्लस करना, माइनस करना पड़ेगा 1872 में कि हमारा 1871 हो जाए. तो कितना माइनस करना पड़ेगा, 1. इस तरह डी देखेंगे हम, 405 माइनस डैश इक्वल टू 0. अब हमें 405 में से कितना माइनस करना है कि वो 0 आंसर आए. तो हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, 405, यानी कि एग्जैक्ट संख्या जो है हमें माइनस करनी पड़ेगी उसमें से, ताकि वो 0 हो जाए आंसर हमारा, ठीक है. इधर ई देखेंगे हम लास्ट वन, जिसमें क्या है, 29520 प्लस डैश इक्वल टू 29520. अब हमें कितना प्लस करना पड़ेगा, एग्जैक्टली सेम आंसर आ रहा है ना हमारा दोनों देखें, तो हमें कितना प्लस करना पड़ेगा, 0 प्लस करना पड़ेगा. ओके स्टूडेंट,